I got broads in Atlanta, in the licks in the band, legacy. Well, hello guys, welcome back to The Export. So, आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है. सो इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या मैटर्स होते हैं, जो जितनी भी चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स में हैं वो उनमें से कौन सी चीज़ें हम लोग मैटर में काउंट करते हैं, या फिर क्या क्या कंडीशंस होते हैं एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को मैटर में कन्वर्ट करने के लिए. कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ जो मैटर में कन्वर्ट हो सकती है, कितने कितने टाइप के मैटर्स अवेलेबल हैं आज की डेट में. सो अब आप लोग एक बात समझ लीजिए कि आप लोग क्लास नाइन्थ में आ गए हो, यानी कि ये वो क्लास है जब आप लोग अपना ना यू नो फ्यूचर का बेस बिल्डअप करना शुरू करते हो. तो बेसिकली अब इस क्लास से आप लोगों को जो है पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है. रटने से काम नहीं चलेगा. ये नहीं है कि आप लोगों ने बस किताब उठाई और रट दिए सारे आंसर्स. आप लोगों को अपना बेस अगर परफेक्ट तैयार करना है तो उसके लिए आपको हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है. सो नोट्स में बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, जो भी चीज़ मैं बोर्ड पे लिखूंगी इट्स वेल एंड सफिशियंट. आप लोगों को उससे ज़्यादा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है अपनी नोटबुक्स में, ठीक है. उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली आई विल डील विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है. मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी और हो सकेगा तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है. सो बेसिकली अब हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं. सो हम लोग पहले मैटर्स पढ़ेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट थिंग अबाउट मैटर, जो भी चीज़ एनीथिंग विच इज़ इन योर सराउंडिंग इज कंसिडर्ड एज मैटर, ठीक है. तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो भी चीज़ आपकी सराउंडिंग में है अगर वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है या फिर उसका कोई मास है तो हम उसे मैटर कंसिडर करते हैं, ठीक है. अब जब हम अलग अलग टाइप के मैटर्स की बात करते हैं तो हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया फॉलो करेंगे उन्हें क्लासीफाई करने के लिए. तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को मैटर के बारे पता होनी चाहिए कि मैटर इज समथिंग और एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जिसके पास उसका खुद का मास हो और प्लस वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, यानी कोई जगह घेरता हो, ठीक है. उसके बाद बात आती है कि हमारे जो मैटर है उसके फिजिकल नेचर क्या क्या है. सो जो मैटर का फिजिकल नेचर होता है ना, इट्स मीन कि वो जो मैटर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, हमें उसके बारे में बात करनी है. सो मैटर जो है वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनता है. सो उसको हम लोग फिजिकल नेचर में जो है काउंट करते हैं. उसके बाद आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. जो मैटर है उसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है. जैसे कि मास हो गया, उसके पास वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसमें टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं. उसके अलावा उसके पार्टिकल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है. उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिससे वो पूरे सारे पार्टिकल्स एक साथ मिलके जो है आपका मैटर की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है. सो बेसिकली अब आप लोगों को क्या करना है, जो जो चीज़ मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रही हूँ आपको एज इट इज़ मैं अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, अच्छे से समझ लेना. अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो एक बार या तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, नहीं तो मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी जो है डाउट्स पूछ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली हेयर योर डाउट्स, ठीक है. और मैं कोशिश करूँगी कि उनका रिप्लाई दे दूंगी मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में. जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे आई विल डेफिनेटली, ठीक है. और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी तो हम लोग एक सेपरेट लेक्चर भी लेके आएंगे इस टॉपिक पे. सो बेसिकली अब हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने आपको मैटर के बारे में एक रफ सा ओवरव्यू दे दिया है. नाउ इट्स टाइम टू राइट डाउन ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मैटर. सो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग मैटर के बारे में बात करते हैं वो होगी उसकी डेफिनेशन. सो मैटर की डेफिनेशन में जैसे मैंने आपको बोला, आपको वो हर एक चीज़ लिखनी है, ठीक है. डेफिनेशन है वो बिना किसी एग्जाम्पल के कंप्लीट नहीं होती है. सो हेयर आई एम गोइंग टू राइट द एग्जाम्पल्स फॉर यू ऑल राइट. सो एग्जाम्पल्स में ना आप कुछ भी ले सकते हो, एनीथिंग विच यू फील लाइक कि आप उस चीज़ को देख सकते हो और उसके पास से खुद का एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो. तो सबसे पहला एग्जाम्पल में आप सपोज लिख लीजिए एयर, पीने का वाला पानी H2O, ठीक है. उसके अलावा ऑक्सीजन हो सकती है, हाइड्रोजन, ठीक है. अब सॉलिड्स वाले कुछ मैटर के एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं तो मैं साइड में लिख देती हूँ. सपोज जिस चीज़ से आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, फोन.
सो अब बारी आती है फिजिकल नेचर की. तो फिजिकल नेचर में जैसे मैंने आपको बताया था हम लोग डील करने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज से मिलके ये बनता है. सो फिजिकल नेचर में बेसिकली हम लोग डील करेंगे कि जो मैटर है इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. बस अब बारी आती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. ठीक है, जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं हमको उनकी करेक्टरिस्टिक के बारे में डील करना है. तो वेरी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक जो आप लोग लिखोगे, एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स, आप लोगों को ना बहुत बार ये होता है कि आप लोगों को ना करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स याद नहीं आते हैं. तो उस टाइम पर आपको बेसिकली क्या करना है, डेफिनेशन में जो जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं वो एज इट इज आपको करेक्टरिस्टिक्स में उतार देने हैं अलग अलग पॉइंट बना के. आई विल टीच यू हाउ. तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक पॉइंट में हम लोग लिख लेते हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है. सो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल. सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं वो उसका खुद का मास होता है. सो इट हैज इट्स ओन मास. नेक्स्ट पॉइंट, इट विल ऑक्यूपाई द स्पेस. हम बहुत लोगों को इंटरमॉलिकुलर स्पेस के बारे में नहीं पता होगा, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. उसके बाद जो इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस हैं इनके बीच में होती है इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, सो अगर आप लोग के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टेल अबाउट द करैक्टरिस्टिक फीचर्स, सो आप लोग बात कर सकते हो इन जो मैंने यहाँ पे पांच पॉइंट लिख दिए हैं उनके बारे में. सो एक बार मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमने मैटर के बारे में पढ़ी है वो ये है कि जो मैटर है वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जिसका खुद का मास हो. ठीक है, खुद का मास हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो. अगर हम लोग बात करें जो फिजिकल नेचर है मैटर का, तो फिजिकल नेचर क्या होता है कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे माइन्यूट और टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है. अब यहाँ पे स्मॉल की स्मॉल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स या फिर टाइनी पार्टिकल्स. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं वो है उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स. सो जितने भी करेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना, वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन. सो सबसे पहली बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि पहले हम लोग उसके फिजिकल नेचर प्लस जो जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहली चीज़ जो मैटर है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि उसका खुद का मास होता है और वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. उसके बाद बारी आती है इंटरमॉलिकुलर स्पेस की. अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है इंटरमॉलिकुलर स्पेस में. सो देखो, मैंने बोला आपको कि जो मैटर है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. सपोज ये एक बड़ा सा मैटर है और इसके पास में ही छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं. इंटरमोलिकुलर स्पेस है ना, वो एक्चुअली ज्यादा कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है. वो बस ये जो स्पेस है, ये जो इन दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, इट्स नथिंग बट द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. और उसके बाद बारी आ रही है हमारी एक और चीज जो एक्सप्लेन करें, इट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये वही अट्रैक्शन है जो आपके इन सारे पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ के रखेगी. ठीक है, सो यानी कि इन दो ये वाले दो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए जिससे ये लोग ज्वाइंट है, तभी तो ये पूरा एक बड़ा सा मैटर बन के आया है, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट बन के हमारे सामने आया है. ठीक है, सो दैट्स ऑल आपको मैटर के बारे में जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज या तो आप उसे एक मिनट वीडियो को पॉज करके सारे के सारे नोट्स बना लीजिए, या फिर जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट और आप वीडियो आगे कंटिन्यू कर सकते हो. नाउ अब अगर हम लोग बात करते हैं अगले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, तो सबसे पहले आप लोग के लिए मैंने स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया, आप लोग एक बारी वीडियो पॉज कर लीजिए.
सो अब जो हम लोग नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे वो है हमारा डिफ्यूजन। बेसिकली डिफ्यूजन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो डिफ्यूजन क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि यार जब भी हम कोई भी चीज़ होती है अगर उसमें उसे हम मिक्स करते हैं तो बेसिकली वही होता है डिफ्यूजन। बट इन केस ऑफ मैटर अगर हम लोग बात करें तो सपोज आप लोग ना एक कोने में कहीं परफ्यूम लगाते हो तो वो पूरे कमरे में फैल जाता है, वो होता है प्रोसेस डिफ्यूजन का। यानी कि दो अलग अलग मैटर्स के जब पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उसे हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन भी एक चीज़ होती है, यानी कि किस स्पीड से जो है वो जो खुशबू है या फिर जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में मिलते हैं जाके। सो अब अगर हम बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन की, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन बेसिकली हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि सपोज आप लोगों ने ना गरम गरम खाना बनाया आपकी मम्मी ने, और आप जैसे ही घर में एंटर होते हो तभी पूरे खाने की जो स्मेल है वो पूरे घर में फैली हुई होती है। यानी कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी जब खाना गर्म है तो उसकी जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा जल्दी से स्प्रेड आउट हो रहा है। बट यहीं अगर आपकी मम्मी 12 बजे खाना बना के रख देती है और आप 3 बजे अगर स्कूल से आते हो तो उस टाइम आपको ना पूरे घर में कहीं ना दूर दूर तक कहीं किसी खाने की स्मेल नहीं मिलेगी। सो ये होता है हमारा डिफ्यूजन। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। सो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर्स, ठीक है। It is basically the spontaneous mixing of two or more particles of different matters. एक ही matter के अगर particle जो है mix होंगे तो हमें कोई difference ही पता नहीं चलेगा. So condition is that the particles should be of two or more but of different matter. ठीक है, अब बारी आती है rate of diffusion की. So basically rate of diffusion क्या होता है? Diffusion is directly proportional to temperature. अब जिन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई है कि मैंने बोल दिया डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो बेसिकली अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन लिख के दे देती हूँ क्या होता है बेटा। जब भी टेम्परेचर अगर हाई होगा या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा सो जो हमारा डिफ्यूजन का रेट है वो भी इंक्रीज होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है? जब भी अगर दो पार्टिकल्स जो हैं जिस स्पीड से मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ उसे हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन में आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी डिक्रीज होगा। तभी तो ना गरम गरम खाने की स्मेल आ जाती है। बट कभी भी आप लोगों ने आइसक्रीम की स्मेल घर में एंटर होते ही कभी स्मेल किया? ऐसा नहीं होता। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें एग्जांपल्स की, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं डिफ्यूजन के एग्जांपल्स की। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो था कि जब भी आप परफ्यूम जो है स्मेल स्प्रे करते हो तो आप लोगों को जो है पूरे रूम में जो उसकी फ्रेग्रेंस होती है वो फैल जाती है। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज अरोमा ऑफ परफ्यूम। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो होती है हमारी स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड।
ठीक है. नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ, जो हम लोग अगरबत्तियाँ जलाते हैं ना, पूरे रूम में जो है स्मेल हो जाती है उन अगरबत्तियों की. ठीक है, अब आप लोग मुझे एक बात बता दीजिए कि जो अगरबत्तियाँ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में. जिस जिसको भी पता है ना, वीडियो पॉज करके अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ के ज़रूर जाना कि जो है हमारी अगरबत्ती होती है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं. और अगर जिनको नहीं पता है तो मैं बता ही रही हूँ. सो स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक दे रही हूँ मैं. देखो डिफ्यूजन क्या होता है, जब भी कोई स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग होती है किसी भी दो पार्टिकल्स की, दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स की और वो भी डिफरेंट मैटर्स की, उसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन. उसके बाद बात आती है कि किस स्पीड से जो है डिफ्यूजन का रेट परफॉर्म हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन में आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि जो डिफ्यूजन होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, तो टेम्परेचर से, यानी कि अगर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा. उसके बाद आ जाती है बारी एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में आप लोग लिख सकते हो अरोमा ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड. गर्म पानी की स्मेल नहीं आती है, सीजलिंग यानी कि उसमें कुछ ऐसा है जो कि स्मेल प्रोवाइड करा रहा है. ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है स्मेल ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक. ठीक है, अब आप लोगों की बारी है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके, या फिर वीडियो पॉज करके अपने नोट्स बना लीजिए. अब जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी ब्राउनियन मूवमेंट. ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो सारे ना एक मूवमेंट शो कराते हैं, यानी कि कंटिन्यूस मोशन में होते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स. तो जिस पार्ट मोशन से, यानी कि जिस तरीके से वो लोग मूवमेंट शो कराते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट. और वो कैसी मूवमेंट होती है, ज़िगज़ैग. ज़िगज़ैग का मतलब क्या है, यहाँ पे सपोज ये एक पार्टिकल है तो ये स्ट्रेट ना जाते हुए ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे करके जो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है अपने. ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि स्ट्रेट पाथवे ना हो कि हमारा जो पाथवे होता है वो होता है ज़िगज़ैग. सो इफ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, इट इज द ज़िगज़ैग मूवमेंट shown by the particles of matter. एक बार हमेशा ध्यान रखना है जो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर की मैंने यहाँ पे बात की, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की या फिर गैस वाले पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सॉलिड होता है उसमें ना कहीं पे भी आप लोगों को जो है ज़िगज़ैग मूवमेंट शो नहीं कराती. सो अगर हम आगे लिखना चाहें इस डेफिनेशन को, अभी कहें मैटर ऑफ सस्पेंडेड लिक्विड और गैस. ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अब बारी आती है कि बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं या फिर बहुत सारे टीचर्स स्किप कर देते हैं कि ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है ये किसने दी है. एज पर कि आप लोगों के ना पहले एग्जाम में तो ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते थे, बट अब जो कोविड की वजह से जो है एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है एंड नाउ वी आर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज इन द क्वेश्चन पेपर. ठीक है, सो अब आप आ रही थे कि जो साइन ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है ये किसने दिया था. सो अगर हम बात करें, इट इज़ गिवन बाय साइंटिस्ट का नाम, आई विल चेंज द मार्कर, रॉबर्ट ब्राउन. सो ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में बस आपको इतना याद रखना कि ये ज़िगज़ैग मूवमेंट होती है. ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे लिक्विड और गैस के ही पार्टिकल्स शो कराते हैं. उसके अलावा ये जो है डेफिनेशंस या फिर ब्राउनियन मूवमेंट का कॉन्सेप्ट हमें रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था. सो दैट्स ऑल, आपको ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में बस इतना ही याद रखना है. अब हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट कंप्लीट करने के बाद बात करने वाले हैं कि जितने टाइप के हमारे पार्टिकल्स मैटर्स हैं उनकी हम क्या क्लासिफिकेशन करते हैं, किस बेसिस पे हम लोग जो है मैटर्स को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर में. ठीक है, डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स की. सो अब तक आप लोगों ने क्लास 8 तक पढ़ा होगा कि जो मैटर्स हैं वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस. बट आज मैं आप लोगों को पांच टाइप के मैटर्स बताऊंगी, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा दो और टाइप ऑफ मैटर हैं जिनको अभी रिसेंटली एग्जिस्टेंस मिली है, वो है हमारा प्लाज्मा एंड बीईसी. बीईसी का मतलब है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट.
ठीक है, तो इसके बारे में अब देखो ये तो चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी आपके सिलेबस में ऐड ऑन हुई है, यानी कि अभी आप 9th क्लास में हो रहे हो। सो ये चीज़ें ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप स्कूल लेवल एग्जामिनेशन के अलावा कोई और एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ओलंपियाड हो गया एंड ऑल दैट। ठीक है, सो अब एक करके आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दीज फाइव जितने भी पांचों के पांचों क्लासिफिकेशन है, मैटर्स की टाइप्स है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को बात करनी है वो है सॉलिड। सो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड इज बेसिकली समथिंग विच जिसके पास डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होता है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, यानी कि शेप भी सेम, साइज भी सेम, सॉरी शेप भी सेम होगी, मास भी सेम होगा और वॉल्यूम भी सेम होगी। उसके बाद बारी आती है लिक्विड की। सो लिक्विड बेसिकली क्या होता है? लिक्विड के पास ना डेफिनेट शेप होती है, शेप नहीं होती है, यानी कि उसकी कोई सेम शेप नहीं होती। अब हम बात करेंगे कि जो लिक्विड है वो किस टाइप के जो है शेप लेते हैं। ठीक है, वो हम जब लिक्विड को डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। उसके बाद बारी आती है कि उसका ना मास जो है वो सेम होता है एंड उसकी वॉल्यूम जो है इट्स रिमेन कॉन्स्टेंट। वहीं अगर हम गैस की बात करें तो जो गैस है ना उसमें है मास जो है आपका सेम होता है, मास जो है वो हमेशा सेम रहेगा बट जो वॉल्यूम और शेप है वो कभी भी सेम नहीं होती। प्लाज्मा एंड बीईसी हम लोग डिटेल में अलग अलग ही पढ़ेंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट सम पॉइंट्स जो आपको याद रखनी है इसके बारे में। तो वेरी फर्स्ट थिंग इसकी होगी भाई फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड मास। अगर हम बात करें लिक्विड की सो लिक्विड में आपकी होगी फिक्स्ड वॉल्यूम। ये वी ऑल मींस वॉल्यूम है, ठीक है, फिक्स्ड मास। बट इट विल चेंज द मार्कर ताकि आपको याद रहे। No fixed shape. ठीक है, अगर आप बात करें हम लोग गैस की सो मार्कर चेंज कर लेते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी थोड़ी सी। अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा गैस में ना सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक मिनट, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास है एक ही चीज फिक्स होती है और वो है हमारी गैस का मास, यानी कि फिक्स्ड मास ओनली, बट नो फिक्स वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है, अब प्लाज्मा क्या है ना बेटा? प्लाज्मा बेसिकली ना ये कुछ रिएक्शंस होती हैं स्टार्स में। ठीक है, तो स्टार्स में जो मैटर प्रेजेंट होता है हमने उसे प्लाज्मा नेम दे दिया। एंड जो बी ई सी है यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये बेसिकली जो हमारे इंडियन आइंस्टाइन साइंटिस्ट थे बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, और आइंस्टाइन ने मिलकर एक थ्योरी दी थी और उसके ऊपर बाद में ना उस टाइम पर वो अप्रूव नहीं हो पाई थी और बाद में जाके ना कुछ और तीन साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च करके इसको इस मैटर को भी एग्जिस्टेंस में लेके आया है। ठीक है, सो अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, चाहो तो लिख लीजिए नहीं तो मैं आप लोगों को डिटेल में कराने वाली हूँ। सो अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सॉलिड, यानी कि अब हम सॉलिड को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया था क्लासिफिकेशन के टाइम पे कि जो सॉलिड है वो उसके पास होती है हमारी फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड मास होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ठीक है, अब आप लोगों को हमेशा ये बात ध्यान रखने की जब भी बारी आती है प्रॉपर्टीज की, अगर आपको कोई प्रॉपर्टीज ध्यान में नहीं आ रही है तो जो जो पॉइंट्स आपने डेफिनेशन में लिखे हैं वो एज इट इज आपने उतार दीजिए प्रॉपर्टीज में, तो वही हम सेम यहाँ पे करेंगे बिकॉज वो भी प्रॉपर्टीज हैं। तो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉलिड के पास होता है हमारा फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो हमारा सॉलिड है ना उसके पास फिक्स्ड एक और चीज मतलब डेंसिटी एक चीज होती है यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप एक बात कीजिए, वो अगर मास और वॉल्यूम सेम है फिक्स्ड है तो इसका मतलब कि जो डेंसिटी है वो भी हाई होने वाली है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी इज मैक्सिमम। अभी मैक्सिमम हम लोगों ने किसके कंपेयर में बात की है? ये हम लोगों ने बात की है लिक्विड और गैस के कंपेयर में। ठीक है, अब बारी आ जाती है जो अगली चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए सॉलिड के बारे में, वो ये होता है कि जो हमारे सॉलिड है ना उनके पास रिजिडिटी होती है। रिजिड होते हैं यानी कि इट्स रिजिड का मतलब होता है कठोर, टफ होना। ठीक है, तो इसका मतलब कि कंप्रेस नहीं होंगे,
कैन नॉट कंप्रेस. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज बारी आती है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की. ठीक है, सो अब जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो यहाँ पे मिनिमम होता है. अगर मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं सॉलिड का, तो सपोज ये आपके पास एक मैटर है, ठीक है, और इट इज सॉलिड. तो इसमें जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत ही ज्यादा पास पास जो है अरेंज होते हैं. ठीक है, अब अगर मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो क्या होता है. सो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये हमारा जितना भी ये जो स्पेस जो मैंने आपको रेड, ठीक है, तो जितना भी पोर्शन रेड है ये हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है. आप देख सकते हो कितना कम स्पेस है. ठीक है, उसके बाद बारी आती है कि जो बहुत ज़्यादा कम है, इसका मतलब जो ये पार्टिकल से बहुत पास पास है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ पे मैक्सिमम होने वाली है. उसके अलावा आप लोगों को जिसके बारे में बात करनी है कि अब सॉलिड में क्या डिफ्यूजन हो सकती है. क्या आपने कभी देखा है आपके पेन में और आपकी पेंसिल में डिफ्यूजन हो गई और दोनों मिक्स होके एक पेन पेंसिल का कॉम्बो चल रहा? नहीं है ना. सो एक और पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है कि सो दैट्स ऑल, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए हमारे जो है सॉलिड के बारे में. सो अब हम लोग एक बार रिविजन रिवाइज कर लेते हैं. सो लेट मी चेंज द मार्कर टू हाईलाइट. सो जो सॉलिड है उसके पास होनी चाहिए अपनी खुद की फिक्स्ड, यानी कि डेफिनेट शेप होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए और मास होना चाहिए. उसके बाद अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज अगर हम सॉलिड की बात करें, उसमें फिक्स शेप होगी, फिक्स मास होगा, फिक्स वॉल्यूम होगी, डेंसिटी जो है उसमें मैक्सिमम होगी. और अगर आपको पता नहीं है डेंसिटी क्या होती है, तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला. उसके बाद ये होते हैं रिजिड, यानी कि कंप्रेस नहीं होते, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं. पेन को कभी कंप्रेस करके देखा है? कभी कंप्रेस होता है? नहीं ना. तो सेम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि जो इतना भी रेड से मैंने मार्क किया है इस बॉक्स के अंदर, वो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है. ये जो ब्लू वाले पार्टिकल्स है ना, ये जो है हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे से, ठीक है, बट इनके अंदर ना आपको स्पेस बहुत ज़्यादा कम दिखेगा. उसके बाद अगर स्पेस कम है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यानी कि अगर आप लोगों ने सपोज आप ऐसे करके अपने हाथों को एकदम से टाइट से करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा अपना हाथ को छुड़ा पाना. ठीक है, उसके बाद आ जाती है कि ये डिफ्यूजन शो नहीं कराते, जो पार्टिकल्स है डिफ्यूजन शो नहीं कराते हैं. इसका एक और मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो जो है आप लोगों का उनके अंदर ना मूवमेंट नहीं होती. सो दैट्स ऑल, आपको सॉलिड के बारे में बस इतना ही पता होना चाहिए. नाउ क्विकली टेक द स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो पॉज करके फटाफट नोट्स बना लीजिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स. आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस किया. सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था मैटर. मैटर यानी कि एनीथिंग विच इज इन आर सराउंडिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी उसके पास खुद का स्पेस होता है और उसके पास खुद का मास होता है. उसके बाद हम लोगों ने बात की थी डिफ्यूजन की. तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज बेसिकली वो इंटरमिक्सिंग होती है दो पार्टिकल्स की अलग अलग मैटर के. उसके बाद हम लोगों ने बात की थी ब्रॉनियन मूवमेंट. ब्रॉनियन मूवमेंट क्या होता है? ज़िगज़ैग मोशन होता है पार्टिकल्स का, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स का. क्लासिफिकेशन मैंने आपको आज पांच टाइप के मैटर्स बताए हैं. द वन वेरी फर्स्ट इज सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस, देन प्लाज्मा एंड एट लास्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि BEC. ठीक है, अब हम लोगों ने सॉलिड के बारे में डिटेल में स्टडी कर ली थी. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं लिक्विड की एंड ऑल दैट. सो लिक्विड, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. सो अभी लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता अगर मैं आपको ये तीनों चीजें बचे हुए चारों टॉपिक्स पे पढ़ाती. ठीक है, सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. अब आप लोग को क्या करना है? आपने नोट्स बनाने हैं अगर किसी ने साथ साथ नहीं बनाए हैं, और अगर जिसने साथ साथ नोट्स बना लिए हैं उसके बाद एक बार फटाफट उनको रिवाइज कर लेना. 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. अब आप लोगों को अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस रहना है. ठीक है, जो भी चीज़ अगर समझ नहीं आती है या तो लेक्चर को एक बार दोबारा बैक में जाके देख लीजिएगा, और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़ना. आई विल टेक योर कमेंट, या तो हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे. ठीक है, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो अगर मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी. ठीक है, सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. केमिस्ट्री का लेक्चर जो सेकंड इस चैप्टर का होने वाला है उसमें, एंड
What you have to do, you have to stay positive, stay healthy and अपने parents को परेशान बिल्कुल नहीं करना है, अपनी studies पे focus करना, अभी से शुरू कर दीजिए.